प्रदेश अध्यक्ष को लेकर छिड़े घमासान में जहां कांग्रेस मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी दौर में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिग्विजय के सिंह खिलाफ बयान दिया है, जिसमें मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मंत्री सिंगार को धैर्य रखने की जरूरत है। 10 साल से सरकार चलाई है और कांग्रेस का एक विशिष्ट नेतृत्व है कहीं ना कहीं। दिग्विजय सिंह को भी कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए। सिंगार को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। अपने पत्र व्यवहार को जग जाहिर करे दिग्विजय सिंह भी करते आ रहे हैं। आपस में पत्थर वार करने से पार्टी की छवि पर फर्क पड़ता है। सिंगार भी दिग्विजय सिंह के साथ ही जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं सरकार से जनता को लाभ दिलाने के लिए, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने के लिए अपने व्यंग्य जग जाहिर हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव हमारी सरकार पर वार कर रहे हैं। हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरुण यादव को अब समय है कि अपने कार्यों को करने के लिए ट्विटर पर पत्र व्यवहार वायरल करने की वजह सरकार के लिए काम करने का सही समय है। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कंटिन्यू उनके जो बयान है वो आ रहे हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ और कई तरह के आरोप लगाए हैं। खनन में लिप्तता से लेकर जो है शराब माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया, सरकार को, सरकार के कामकाज प्रभावित करने का, सरकार, उनका कहना है कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। क्या कुछ आपका इन पूरे मामले पर कहना? बात शुरू हुई है पत्राचार से। आदरणीय नेता दिग्विजय सिंह साहब ने जो मंत्रियों को पत्र लिखा, कार्यों की जवाबदेही के लिए कहा कि भाई क्या क्या किया, कौन से ट्रांसफर किए बताइए, मुझे समय दीजिए, उस पर से कुछ तलखियत उभर के आई योगी सरकार की। उन्होंने कहा कि स्थानांतर के अलावा जनहित की योजनाएं के बारे में लिखते थे, पर मेरा ओम सिंगार को ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी बड़े अनुभवी नेता हैं। 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं। इस कद के नेता के लिए हमें अपनी बात को हाईकमान से कहना चाहिए, क्योंकि उमंग सिंगार का हाईकमान से बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक है। राहुल गांधी जी उनकी, उमंग सिंगार की पूरी बात मानते हैं। कहीं ऐसा लगा कि कहीं गड़बड़ है या दिग्विजय सिंह जी के पत्र लिखने से नुकसान हो रहा है पार्टी का, तो हाईकमान से बोलना चाहिए। इधर दिग्विजय सिंह साहब ने भी पत्र वायरल कर दिया जो मंत्रियों को लिखा, उमंग सिंगार ने भी जो सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा वो वायरल कर दिया। अब अरुण यादव जी का बीच में, मैं पूरी बात ही आपको बता दूँ, अरुण यादव जी का भी एक ट्वीट आया है। अरुण यादव जी ने कहा कि मैंने इतना संघर्ष, 15 साल लाठियां खाई, इसलिए नहीं किया कि 15 साल के बाद सरकार आए तो ये दुर्गति हो। बात अरुण यादव जी की सही है और अरुण यादव जी के लिए मेरा सुझाव भी है कि अरुण यादव जी के लिए सही समय है मध्य प्रदेश में काम करने का। दिग्विजय सिंह जी और ओम सिंगार के बीच में सेतु का काम करना चाहिए। अपने मन की तलखियत बाहर लाने के बजाय दोनों नेताओं से उनका संबंध है अरुण यादव का, पुल का काम करें ताकि ये जो पत्राचार है ये सब बंद हो, जो एक कहीं ना कहीं हल्का सा डैमेज तो हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो है पूरे क्षेत्र में अभी मंत्री उमंग सिंगार के साथ सिर्फ जो है सज्जन सिंह वर्मा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब ने उनसे किनारा कर लिया, तो उसको लेकर के भी आप कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो अभी मैंने जो आपने सवाल पूछा मैंने बयान दिया कि सही प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए। और हाईकमान से जब उमंग सिंगार का बड़ा अच्छा संबंध है राहुल गांधी जी, उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं राहुल गांधी। यदि आपके मन में कोई पीड़ा है, आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के पत्र से नुकसान हो रहा है, तो वहाँ जाके बात करना चाहिए। ना दिग्विजय सिंह जी ने पत्र वायरल करना चाहिए, ना उमंग सिंगार ने पत्र वायरल करना चाहिए। वास्तव में 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद, संघर्षों के बाद ये हमारी सरकार आई है, ये सही मौका है अरुण यादव के लिए भी। यह एक अहम सवाल, अभी नरोत्तम मिश्रा ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने किया है कि कांग्रेस अब खुद ही जो है गिरने के कगार पर दिखाई दे रही है, और ये अभी ताजे ही ट्वीट है अभियान उनका, और वो कह रहे हैं कि अपने संगठन के स्तर पर उनका 3-4 गुट बनने हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्मों से कांग्रेस
मैंने कहा कि ये पहले किसी जमाने में एक मुंगेरी लाल होता था, यहाँ पे चार मुंगेरी लाल थे, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय। ये क्या बिल्ली बन के बैठे कि बिल्ली के भाग से कहीं चीका टूट जाए? अरे भैया, कर्मों पे विश्वास रखो, बाहुबल पे विश्वास रखो। जो 15 साल किसान और नौजवान को धोखा दिया है, तुम्हारे को सत्ता से उठा के फेंक दिया जाए, 5 साल आराम से बैठो, बिल्ली के भाग से चीका नहीं टूटेगा, ये 5 साल सरकार चलेगी। भैया, धार के जो आबकारी अधिकारी संजीव दुबे, उनसे बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कई विधायकों को पैसे लेने की बात कही गई है, और पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, रेत खनन और अवैध शराब, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो अभी बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं और उभर के सामने आ रहे हैं। क्या कांग्रेस की अंतर्कलह? आपके प्रश्न के शुरुआती शब्दों से मैं अपने जवाब की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो संजीव दुबे जैसे अधिकारियों को तत्काल मैदानी हमले से हटा दिया जाना चाहिए। भैया, जिस तरह से जिसके खिलाफ 48 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा हो, उसे गुजरात बॉर्डर तक का काम दे दिया गया हो, उसे हटा देना चाहिए। और जहां तक विधायकों का और ये प्रश्न है, किसी विधायक ने नहीं मांगी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था आनंद राय साहब का, उन्होंने आपके पास खबर आई कि नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने किनारा कर लिया कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, ये ऑडियो मेरा नहीं है, मैंने ये शब्द नहीं कहे। तो ये सब भ्रांति फैलाई जा रही है, कुछ अधिकारी जो भाजपा के समय से जमे हुए और कुछ भाजपा के नेताओं के द्वारा ये मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि कैसे आपस में फूट परस्ती बढ़े और कांग्रेस कटघरे में। भैया, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर उमर सिंघार जी ने एक बयान दिया है कि वो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मंत्रियों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? बड़ी तलखियत भरी भाषा उन्होंने कही है, ये ठीक नहीं है, मन की पीड़ा है, ये भी इस तरह से शब्दों में उसको बाहर निकालना ये ठीक बात नहीं है। इतने साल से उमंग सिंघार भी दिग्विजय सिंह जी के अंडर में काम करते रहे हैं। मैंने वही कहा कि बात असली ये है कि 15 साल बाद सत्ता आई है, उसका लाभ प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिले। हमारी भूमिका ये होना चाहिए, हम सरकार के अंग हैं और अपनी बात को आप सही प्लेटफॉर्म पे रखें। मेरे बारे में भी कहते हैं कि मैं भी गाये बगाये बोल देता हूँ, मन की पीड़ा जब दर्द का रूप ले लेती है तो कहीं ना कहीं शब्द निकल आते हैं, पर उसके बाद भी मर्यादाओं का ध्यान हम जैसे लोगों ने रखना चाहिए। भैया, आपको क्या पीड़ा है? नहीं, उनसे पीड़ा नहीं, मैं तो अलग अलग पीड़ाओं का बयान, जैसे मुझे क्या पीड़ा, मैं तो एक आध पीड़ा मैं तो इतने जख्म खा चुका हूँ राजनीति के अंदर, एक मरहम की डिब्बी साथ में लेके चलता हूँ, जब जख्म लगता है मरहम लगा देता हूँ, मुस्कुराता हुआ फिर चल पड़ता हूँ उन कठिन रास्तों में। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।